हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक नए मेगा प्रोडक्ट का रिव्यू। वैसे तो इसे टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत लॉन्च हुए, अब मुझे टाइम मिल रहा है इसको रिव्यू करने का। सो दिस इज़ द ब्लू हेवन हाइपर मैट फाउंडेशन। इट हैज़ SPF 25+++, इट हैज़ लिक्विड फॉर्मूला, बिल्डेबल कवरेज, नॉन क्लॉगिंग, लाइट वेट, ऐसा कुछ इसकी पैकेजिंग पर लिखा हुआ है। तो इस के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, आपके साथ डेमो भी शेयर करूंगी और ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ब्लू हेवन के जो पास्ट फाउंडेशन है ना, जितने भी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला जो फाउंडेशन है थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू ज़रूर करना चाहूंगी आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सबके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पैकेजिंग की बात करेंगे। तो पैकेजिंग है इसकी आउटर एज यूजुअल की आउटर पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि सारी डिटेल्स उस पर मैंशन होती है। मेरा जो शेड है वो है हनी मीडियम प्लस गोल्डन येलो, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि शेड नेम तो इन्होंने दे रखा है लेकिन इन्होंने जो अंडरटोन होती है वो भी मेंशन की हुई है कि अगर आपकी येलो अंडरटोन है, मीडियम अंडरटोन है, तो उसके लिए ये वाला फाउंडेशन अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब इसके प्राइस की बात करें तो 200 रुपीज़ इसका प्राइस है, क्वाइट अफोर्डेबल। और मैंने अभी हाल ही में देखा था कि नायका पे 20% ऑफ मिल रहा था इस फाउंडेशन पे, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग डील थी। लाइक 150-160 रुपीज़ में आपको ये वाला फाउंडेशन ज़रूर मिल जाएगा ऑनलाइन आप खरीदोगे तो पैसों की तो टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि जितने पैसे आप इसके पे कर रहे हो उसमें आपको इतनी अमेजिंग पैकेजिंग पहले तो मिल रही है। लुक एट द पैकेजिंग गाइस, ग्लास बॉटल है लेकिन पंप के साथ है गाइज। इतने कम प्राइस में ये लोग इतनी अच्छी पैकेजिंग तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में क्वांटिटी भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। 30 ml इसमें क्वांटिटी आपको मिल रही है एंड पंप इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको 1 pump यूज़ करना है, 2 pump यूज़ करना है, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होगा और बिल्कुल हाइजीनिक मामला है, तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं। सारी जो डिटेल इस पे मेंशन हुई थी तो कुछ डिटेल इस पे भी मेंशन है प्राइस वगैरह के साथ। अच्छा चलो, इसमें लिखा है नॉन क्लॉगिंग, तो अगर आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको पता है क्या होता है, आपके जो पिंपल्स होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन ब्रेकआउट हो जाती है। तो इसमें ये क्लेम करते हैं कि ये नॉन क्लॉगिंग वाला फाउंडेशन है, लिक्विड फॉर्मूला है, तो ऑफ कोर्स ये लिक्विड फाउंडेशन है और इसका बिल्डेबल कवरेज है, लाइट वेट है। साइड में ये मेंशन भी किया हुआ है इन लोगों ने कि अपनी जो अंडरटोन है उसको आप कैसे समझें और स्किन अंडरटोन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में भी इन लोगों ने नॉलेज दी हुई है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं दिए गए हैं, सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्वा साइक्लोपेंटासिल ऑक्सेन एंड इथाइल एक्साइल मिथोक्सी सिनामेट विटामिन ई एसिटेट डी पैथिनॉल एंड अप्रूव्ड कलर्स, तो ये सब इसमें है। 30 months तक इसकी शेल्फ लाइफ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको शेड्स भी मेंशन किए गए हैं कि ये कितने शेड में अवेलेबल है, तो ये टोटल 7 shades में अवेलेबल है। अगर आपका पिंक स्किन टोन है तो उसके लिए आपको 2 shades यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद आपकी मेरी तरह जो गेहुआ रंग होता है या फिर येलो अंडरटोन होती है जो मीडियम वाली, उसके लिए भी आपको 2 shades मिलते हैं। ये जो मेरा शेड है गाइस वो मेरी स्किन से इतना भी मैच नहीं करता, मैंने थोड़ा गलत ले लिया, मुझे या तो नेचुरल लेना चाहिए था या फिर नेचुरल सैंड लेना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा अपनी नीचे वाली स्किन टोन का कलर ले लिया जो कि है हनी मीडियम, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला फाउंडेशन भी मेरे पे ठीक वर्क करता है। मतलब आपको पता नहीं लगेगा कि मैच नहीं कर रहा है फाउंडेशन, मैच कर जाता है। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो गाइज ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट ज़रूर
मिलेगा। ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, और ऑफलाइन आप खरीदोगे तो आपके पास प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप अपनी शेड जो है वो चेक कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है ये सब देखे, तो आप अपनी स्किन के हिसाब से ज़रूर अंदाज़ा लगा के ज़रूर खरीद सकते हैं। और गाइज इसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी दिया गया है, यानी कि SPF जो कि है 25 PA++। तो अगर आप बाहर जाते हैं सनस्क्रीन अप्लाई करना भूल गए हैं या फिर सनस्क्रीन अप्लाई भी कर लेते हैं तो आपके ऊपर ये एक और लेयर ऐड कर देगा सनस्क्रीन की, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि दिस इज हाइपर मैट फाउंडेशन, यस इट इज अ मैट फाउंडेशन। एंड मैंने अभी ये वाला ही फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है अपनी स्किन पे, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ज़रा मैं आपको दिखा ही देती हूँ, तो कुछ ऐसा मेरा शेड है। वैसे गाइज ठीक ठाक मैच कर जाता है ये वाला शेड भी, और यू कैन सी बिल्कुल इतना रनी भी नहीं है, थिक भी नहीं है, बिटवीन कंसिस्टेंसी है। और जब हम इसको ब्लेंड करते हैं, इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था ब्लेंडेबिलिटी, क्योंकि ब्लू हेवन के फाउंडेशन में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वो ब्लेंड अच्छे से नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और या फिर बिल्कुल भी कवरेज नहीं देते हैं, या फिर पैची पैची फील कराते हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ। लेकिन ये वाले फाउंडेशन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, बिल्कुल भी पैचीनेस फील नहीं होगी। अभी भी मैं देख रही हूँ तो कहीं से भी मुझे पैची नहीं लग रहा है। ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से आपके स्किन पे ब्लेंड होता है, चाहे आप ब्रश के साथ इसे ब्लेंड करो, चाहे आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करो। और अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूँ तो इसकी शेयर टू मीडियम कवरेज है, तो मीडियम कवरेज मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, फुल कवरेज वाले फाउंडेशन नहीं अच्छे लगते मुझे, मीडियम कवरेज ही अच्छा लगता है। एवरीडे के पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। और गाइज जैसा कि ये बोलते हैं कि ये बिल्डेबल कवरेज देता है, तो हाँ डेफिनेटली अगर आप इसको 2-3 बार भी अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, स्किन में बिल्कुल भी पैचीनेस फील नहीं होगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस फाउंडेशन की। लाइक मैं अगर ये बोलूँ तो ये ब्लू हेवन का अब तक का सबसे बेस्ट फाउंडेशन इन्होंने लॉन्च किया है। इससे पहले के जो फाउंडेशन है उनमें कुछ ना कुछ कमी मुझे लगती है, लेकिन ये फाउंडेशन इतने प्राइस रेंज पे उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा निकाला है। बस मैं यही बोलूँगी कि जो शेड रेंज है वो थोड़ी कम है, और ज़्यादा एक्सपेंड इनको करना चाहिए अपनी शेड रेंज, आई होप कि ये फ्यूचर में कर दें। लेकिन मैं अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ, ब्लेंडेबिलिटी की बात करूँ, बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड होता है ये आपकी स्किन में, तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी फाउंडेशन के लिए। स्टेइंग पावर की बात करूँ तो गाइस 3-4 आवर्स के लिए ये अच्छे से स्टे करता है आपके स्किन पे। जैसे कि सबसे पहले जो ऑयलीनेस ग्रीसीनेस आती है वो मेरे टी जोन एरिया पे आती है, मेरे नोज़ के अराउंड, तो ये 3-4 घंटे के बाद फिर मुझे ऐसा लगने लगता है। और मैट फाउंडेशन है गाइस, तो अगर आपके ड्राई स्किन है तो शायद आपको ज़्यादा ड्राई लगे, लेकिन आप मॉइस्चराइज अच्छे से करोगे अपना फेस तो उसके बाद ज़रूर इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, सब के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। और ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि गाइस मेरी अभी थोड़े से ब्रेकआउट होने लगे थे स्किन पे, तब भी मैंने जब यूज़ किया था ये तो कोई स्किन पे रिएक्शन वगैरह मुझे लगा नहीं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है आपकी स्किन पे। तो मेरी तरफ से तो गाइस इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। अगर मैंने कोई पॉइंट क्लियर नहीं किया है या फिर मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मैंने जब भी इसको अप्लाई किया मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बस मीडियम कवरेज देता है, जो आपके डार्क स्पॉट्स होंगे या फिर पिंपल होंगे तो वो अच्छे से तो कवर नहीं करेगा, उसके लिए तो आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी फिनिश देता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक एवरीडे पर्पस के लिए तो बहुत अच्छा फाउंडेशन है अफोर्डेबल रेट में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी डिस्काउंट वाला, अगर आपको खरीदना है तो आप वहां जाके खरीद लेना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल भी रही होगी, रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।